विन वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज मैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो लेके आई हूं। स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी टॉपिक्स ऑफ बी के दैट इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट एंड एन जो टोटल ट्वेंटी मार्क्स कैरी करता है बिकॉज कम्पल्सरी ईच टॉपिक कैरी ट्वेल्व मार्क्स तो अगर आपको आसानी से पास होना है या पास होने की गारंटी लेनी है तो आपको ये दो चैप्टर्स तो करके ही जाना है तो डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे बट उसी के साथ कोई ऐसे स्टूडेंट्स से जिसको ये नहीं पता कि मैम पोस्टिंग कैसे करना है आप हमें ये बताइए कि हम पोस्टिंग कैसे करें तो स्टूडेंट जो भी आपके डिमांड्स है वो डिमांड को समझ के मैंने आज का वीडियो आप सभी के लिए बनाया स्टूडेंट्स इसके पहले भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए जैसे कि चैप्टर नंबर वन का मैंने फुल रिवीजन दिया है उसी के साथ हर एक टॉपिक का मेन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एज़ वेल एज़ कौन किस तरह से अकाउंट प्रिपेयर करना है उसके बारे में बताया एंड उसी के साथ कल के वीडियो में मैंने ऑल चैप्टर्स आई एम पी ऑब्जेक्ट विथ सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए तो अगर आप सभी स्टूडेंट्स ने अगर वो वीडियोस चेक नहीं किए तो इस वीडियो में मैं आपको सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ तो आप अकॉर्डिंगली चेक करें बट स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसको डीके का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है हम किस तरह से पास होंगे या नहीं होंगे ये भी उनको एक बड़ा सवाल है तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो आप ध्यान से सुनें और अंत तक देखें ताकि आप खुद समझ पाए कि हमें किस तरह से पोस्टिंग करनी है कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं और जो भी मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो एकदम मार्क करके रखें और इस पी का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करूँ ताकि आप देख पाओ अच्छे से और जो मैं बता रही हूँ उसको अच्छे से समझ पाओ सो स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर वन दैट इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट विच कैरी ट्वेल्व मार्क्स कंपल्सरी जो आपके लास्ट टू क्वेश्चन में आने वाला है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट अटेम्प्ट करते हैं जो कंपलसरी करना है तो उसके लिए आपको बेसिक ग्रीन अकाउंट प्रिपेयर करना होता है विच आर द थ्री अकाउंट्स देन ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे उसमें कैसे क्या क्या लिखना है तो पहले आपको प्रिपेयर करना है इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड जो भी आपको नाम दिया होगा क्वेश्चन में वो आपको लिखना पड़ेगा मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड जस्ट फोर द एग्जाम्पल दिया है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डेट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो यहाँ पे जैसे कि मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू चल रहा है तो आपको भी वही लिखना होगा जो पेपर में दिया है वो लिखना है उसके बाद हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करना है मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि आपको कंपलसरी जैसे फॉर्मेट दिए वो सही होना चाहिए क्योंकि फॉर्मेट गलत तो आपका पूरा ही गलत होगा सो पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया उसमें जो बेसिक पोस्टिंग किस तरह से करने हैं वो जिसको डाउट्स तो तो है तो पहले टू ओपनिंग स्टॉक कंपलसरी आने वाला है उसका आउटर कॉलम में आपको अमाउंट डालना है टू परचेज उसमें आप देखोगे नीचे एडजस्टमेंट है कि नहीं तो अगर एडजस्टमेंट है तो उसमें से रिटर्न माइनस करोगे एंड देन यू विल राइट दट अमाउंट इन द आउटर कॉलम फिर कैरेज इन वर्ट वेजेस एंड सैलरी फैक्ट्री इंश्योरेंस ऐसे बहुत सारे आइटम है मैंने कुछ आइटम्स यहाँ पे मैंशन किए उसके साथ पर्टिकुलर्स में हमें सेल्स कंपलसरी आएगा रिटर्न्स उसमें से माइनस करना है अगर एडजस्टमेंट है तो माइनस करना है अदरवाइज डायरेक्टली आप आउटर कॉलम में लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक उसमें एक एडजस्टमेंट होता है तो वो आप लिख सकते हैं आउटर कॉलम में फिर गुड्स लॉस बाय फायर गुड्स डिस्ट्रॉय फ्री सैम्पल और अगर आपको प्रॉफिट आता है तो आप यहाँ पे लिखोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन अगर लॉस आता है तो आप लिखोगे बाय ग्रॉस लॉस कैरी डाउन एंड यू हैव टू टोटल तो पहला अकाउंट फाइनल अकाउंट का प्रिपेयर करना है डैट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से लिखना है वो मैंने बताया उसके बाद सेकेंड अकाउंट आप प्रिपेयर करोगे इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड ए यहाँ पे भी फॉर द ईयर एंड एडी लिखना होगा डेबिट एंड क्रेडिट अगेन यहाँ पे जो भी हमारे एक्सपेंसेस है लाइक वॉट सैलरी सैलरी एंड वेजेस रेन प्रिंटिंग स्टेशन डेप्रिसिएशन ऑन असैट्स फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑडिट फी कैरिज आउटवर्ड बैड डेप्स एडवर्टाइजमेंट ये सब आपको डेबिट में लिखना है जो भी हमारे खर्चे वो डेबिट में आएंगे और जो भी हमारा इनकम है वो कहाँ पे आएगा क्रेडिट में जैसे कि वहाँ पे हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिखा था वो कैरी डाउन होगा दैट इज ब्रॉड डाउन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन फिर कमीशन रिसीव जो भी पैसा मिल रहा है ना स्टूडेंट्स वो यहाँ पर आएगा कमीशन रिसीव डिस्काउंट रिसव इंटरेस्ट रिसिव प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट अगर हमने असेट्स बेचा उसके ऊपर हमें प्रॉफिट मिला तो यहाँ पे आएगा डिविडेंड रिसव रेंट रिसिव अगर लॉस फिर यहाँ पे जब हम टोटल करेंगे तो डिफरेंस आएगा तो आए प्रॉफिट आता है तो हमें लिखना है डेबिट साइड लॉस आता है तो क्रेडिट साइड लिखना है और अगर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है तो आपको पार्टनर्स कैपिटल में लिखना होगा कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके अगर नहीं बोला है तो हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में अमाउंट लिखेंगे जो भी डिफरेंस आएगा प्रॉफ़ि एंड लॉस का फिर थर्ड अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं दैट इज़ बैलेंस शीट एज ऑन हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट में हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंड डेड बट यहाँ पे हमें क्या लिखना है एज ऑन लिखना है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फिर जो भी हमारे बैलेंसेस होंगे आइदर कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट अगर हमने प्रिपेयर किया रहेगा तो नहीं तो डायरेक्टली बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस ही यहाँ आएगा लाइबिलिटी सट हमें लिखना है जनरल रिजर्व होगा प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है बैंक लोन हो सकता है बिल्स पेबल क्रेडिटर्स बैंक ओवर ये सब बेसिक आइटम्स जो आपके हो सकते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली आउटर कॉलम में आएगा असेट्स में हमारे गुडविल लैंड एंड बिल्डिंग फिर उसमें से हम डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट तो हो होने वाला है तो लैंड एंड बिल्डिंग हम इनर कॉलम में लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में एंड उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके फाइनल अमाउंट विल बी द आउटर कॉलम तो हमारे बहुत से मैंने यहाँ पे एक ही असेट लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग बहुत सारे असेट्स आएंगे लाइक व्हाट फॉर एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है मोटर व्हीकल्स हो सकता है लूज टूल्स हो सकते हैं सो इट कैन बी एनीथिंग फिर संी क्रेडिटर्स डेटर्स होगा फिर उसके ऊपर एडजस्टमेंट अगर है तो यहाँ पे भी एडजस्टमेंट आएगा स्टूडेंट्स जिसमें अब समय बैड डेवस न्यू लेस करना है पी डी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेव लेस करना है आउटर कॉलम में फाइनल अमाउंट आएगा फिर इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल बिल रिसीवेबल कैश इन एंड कैश इट बैंक अभी यहाँ पे इस तरह से अगर हम पोस्टिंग करते हैं स्टूडेंट किस तरह से करना है मैंने आपको बताया कि आपको जैसे अकाउंट मैंने प्रिपेयर किया इस तरह से बनाना है ट्रायल बैलेंस आपको दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस में से आपको उठा के अमाउंट्स डालने अभी आपके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऐसे भी कमेंट्स आए थे कि मैम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसका वीडियो बनाएगी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आपको ट्रायल बैलेंस में से उठा के लिखना है अगर एडजस्टमेंट होगा तो आपको वन मार्क्स पूरा मिलेगा अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो उसमें आपको वन फोर्थ मिलेगा या वन हाफ मिलेगा तो इट विल डिपेंड के हर एक कॉलम के लिए जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट के लिए फ़ोर मार्क्स है तो फोर मार्क्स के लिए हाफ़ हाफ हाफ करके आपको मिलेगा एडजस्टमेंट होगा तो वन मार्क्स मिलेगा तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सम्स को अटैम्प्ट करो क्योंकि आप अगर ट्रायल बैलेंस में से उठा के आप एटलीस्ट अमाउंट सही जगह पर भी लिखते हो तो भी आपको वन फोर्थ वन फोर्थ करके हाफ वन करके आपको थ्री मार्क्स आराम से मिल सकते सो so, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट में तीन मार्क्स स्कोर करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फोर मार्क्स स्कोर करते हो बैलेंस शीट में थ्री मार्क्स स्कोर करते हो इस तरह सबका टेन मार्क्स आराम से हो जाएगा सो ईच एंड एवरी स्टूडेंट डेफिनेटली कैन स्कोर फ्रॉम ट्वेल्व मार्क्स सेवन टू एट मार्क्स और नाइन मार्क्स तो नाइन मार्क्स तो हर एक स्टूडेंट स्कोर कर सकता है इन फाइनल अकाउंट अगर आपने सिर्फ पोस्टिंग भी की सही तरीके से सो मार्क माय वर्ड स्टूडेंट आज के दिन पे आपको कंपलसरी जिसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है उनको पोस्टिंग किस तरह से करना है वो आपको याद रखना है कौन सा आइटम कहाँ पर जा रहा है फॉर्मेट क्या करना है वो याद रखना है फिर मैंने ऑलरेडी बताया आपको आई एम पे एडजस्टमेंट कौन से क्लोजिंग स्टॉक डिप्रिसिएशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसिव बैड डेस्क प्रोविजन फॉर डाउटफुल डे इनकम रिसिव इन एडवांस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब एडजस्टमेंट का एक दो 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 इफेक्ट होंगे वो आपको देख के जाना है पढ़ के जाना है अभी यहाँ पर जो भी मैंने बताया इसको डिटेल में समझने के लिए या रेफ़र करने के लिए आप टेक्स्टबुक का पेज नंबर सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ये पाँच पेज अगर आप अच्छी तरह से रेफर करते हो उसमें आप देख लेते हो कि कौन सा आइटम्स कहाँ पर जा रहे हैं मैंने यहाँ पर कुछ लिमिटेड आइटम्स लिए बट उसके अलावा भी बहुत सारे तो यहाँ पे आप वो चेक कर सकते हो सो आई होप पोस्टिंग्स आपको समझा अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है वो समझा मैंने मार्क्स बताया कि आपको ट्रायल बैलेंस में से उठा के आपको पोस्टिंग करना है सही जगह पे तो भी आपको उससे एट टू नाइन मार्क्स मिल जाएंगे सो मार्क माय वर्ड्स एंड प्रैक्टिस इट बिकॉज इट इज कंपलसरी टू पास एज वेल एज टू स्कोर अभी हम स्टार्ट करेंगे विथ चैप्टर नंबर टू दैट इज एन पी ओ इज अगेन कंपलसरी फॉर ट्वेल्व मार्क्स अभी देखो इसमें आपके दो तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं एक होगा कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा एंड उसी के साथ आपके ओल्ड बैलेंस शीट दिया रहेगा आपको क्या प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट फॉर द करेंट ईयर प्रिपेयर करना तो आपको पता होना चाहिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है सो इन द बुक्स ऑफ जो भी नाम दिया रहेगा अगेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड थर्टी मार्च टू टू जो भी ईयर दिया रहेगा वो आपको एक्सपेंडिचर एंड इनकम इस तरह से बनाया जैसे मैंने बनाया वैसे आपको एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट बनाना है विच इज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सपेंडिचर विल बी ऑन डेबिट साइड इनकम विल बी ऑन क्रेडिट साइड अभी एक सिंपल सा हिंट स्टूडेंट इट इज सिमिलर लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो अभी हमने फाइनल अकाउंट में देखा उसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स जो भी हमारा खर्चा होता है वो हम कहाँ पे लिखते हैं दैट इज डेबिट साइड लिखते हैं और जो भी हमारा इनकम होता है वो कहाँ पे लिखते हैं दैट इज़ ऑन क्रेडिट साइड सो इन शॉर्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर लाइक वॉट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आइटम्स आते हैं वही यहाँ पे आने वाले थोड़ा बहुत चेंजेस होगा जैसे कि अगर अकाउंट का बैलेंस कम हो रहा है तो इट विल बी ऑन डेबिट साइड एंड अगर बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो इट विल बी ऑन इनकम साइड तो सेम लाइक अ पी एन एल अकाउंट सेम फॉर्मेट सेम तरीका बट आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस में हम पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट डालते थे यहाँ पे आपको क्या टर्म यूज़ करना है एक्सपेंडिचर अमाउंट अमाउंट इनकम अमाउंट अमाउंट तो ये एक्सपेंडिचर लिखना और इनकम लिखना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स अगर आप एन पी ओ सॉल्व करते हैं तो क्योंकि अगर वहाँ पे आपने पर्टिकुलर लिखा तो गलत हो जाएगा सो so, यहाँ पे एक्सपेंडिचर हमारा खर्चा क्या होगा सैलरी हमारा खर्चा होगा वेजेस खर्चा होगा, होगा प्रिंटिंग एक्सपे स्टेशनरी इंश्योरेंस प्रीमियम रिपेयर्स डिप्रिसिएशन ये सब आइटम्स हमारे वहाँ पे भी आते हैं रेट्स एंड टेक्सेस न्यूज़ पेपर्स एंट्री एक्सपे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्सर्स है फिर यहाँ पे हमारे लिए इनकम क्या रहेगा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसिड इसका फॉर्मूला है जो मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ फिर यहाँ पे रेंट रिस्यूड इंटरेस्ट रिस्यूड ग्राउंड रेंट एंट्रेंस फीस ये भी आता है ये स्टूडेंट्स एडमिशन फीस डोनेशन तो ये सब आपको आउटर कॉलम में लिखते जाना है और ये कहाँ से उठाओगे स्टूडेंट्स आप रिसिट्स ऑफ पेमेंट में से उठाओगे सो रिस एंड पेमेंट दिया रहेगा उसमें से आपको उठा के जो खर्चे वो डेबिट साइड डालने जिसको नाम देंगे हम एक्सपेंडिचर और जो हमारा इनकम है वो हम कहाँ पे डालेंगे इनकम साइड जो हमारे लिए क्रेडिट तो रिसिट विल बी इनकम एंड पेमेंट विल बी एक्सपेंडिचर उस तरह से फिर जो डिफरेंस निकालेंगे दैट विल बी सरप्लस होगा तो प्रॉफिट एंड अगर डेफिसिट है तो लॉस तो आपको टर्म यूज करना है डेबिट साइड हमारा आता है बैलेंस तो टू सरप्लस आएगा क्रेडिट साइड आता है तो इट विल बी टू डेफिसिट और फिर वो जाएगा बैलेंस शीट में सो सेकेंड अकाउंट हमें प्रिपेयर करना होता है सेम बैलेंस शीट एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू जिसमें कैपिटल फंड एक टर्म दिया रहेगा तो यहाँ पे जो कैपिटल फंड है वो आपको लिखना ओपनिंग बैलेंस आपको मिल जाएगा बैलेंस शीट से ओल्ड बैलेंस शीट से फिर so उसमें आपको डोनेशन ऐड करना है एंट्रेंस फीस आपको ऐड करना है सरप्लस जो हमारा एक्सपेंडिचर से आया वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से फिर अगर ये भी आपको समझ में नहीं आता तो जितना आता है आप अभी के लिए ट्राई कर सकते हो फिर आपका जो भी फ़ंड है जैसे कि बिल्डिंग फंड होगा जो भी नाम दिया रहेगा एंडोनमेंट फंड टूर्नामेंट फंड, फंड स्पेशल फंड चैरिटी फ़ंड क्रेडिटर्स ये तो ऑलरेडी आता है बैंक ओवर लोन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस जो भी हमारे लाइबिलिटीज़ है लाइफ मेम्बरशिप फीस ये भी आता है तो ये सब हमारा लाइबिलिटीज़ में आएगा असेट्स में कैश इन बैंक कैश एट बैंक फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट डेटाज फर्नीचर एक्रूड इंटरेस्ट लोन्स एंड एडवांसेस प्ले ग्राउंड लाइब्रेरी स्पोर्ट्स मटेरियल अगर बच्चा है तो वो सब यहाँ पे आएगा सो so, इस तरह से अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स सो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि वॉट आर द थिंग्स विच आर देर इन द लाइबिलिटीज़ एंड एसेट तो इस तरह से हम करेंगे और आपका बैलेंस शीट टैली होगा द नेक्स्ट थिंग आईएमपी एडजस्टमेंट कौन से रहेंगे जो आपको एनपीओ में आएंगे एक तो डोनेशन के ऊपर एडजस्टमेंट होगा डिप्रिसिएशन आएगा कैपिटलाइज जो माइनस करना होता है फिफ्टी परसेंट कैपिटलाइज या वी कैन से एंट्रेंस फी फिफ्टी परसेंट कैपिटलाइज जो एंट्रेंस फीस होगा उसका फिफ्टी परसेंट आपको माइनस करना होगा फीस सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट कंपलसरी होगा और ये सब के लिए आपको पेज नंबर रेफर करना है स्टूडेंट सिक्सटी एट टू सेवेंटी थ्री जहाँ पर आपको क्लियरली समझेगा उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ ऐसा है कि अगर क्वेश्चन ने बोला है रिसिप्स एंड पेमेंट दी है ठीक है अगर क्वेश्चन ने ऐसा बोला है कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है तो हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट्स तो ऑल रिसिट्स विल बी ऑन डेबिट साइड ऑल पेमेंट्स विल बी ऑन क्रेडिट साइड बराबर और अगर रिसिट्स एंड पेमेंट दिया उसमें से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है तो क्या करना है जैसे मैंने एरो बताया तो जो भी रिसिप्ट है वो जाएंगे हमारे इनकम में और जो पेमेंट्स वो कहाँ पर जाएंगे एक्सपेंडिचर तो अगर स्टूडेंट्स आपको सम आया है रिसिट्स एंड पेमेंट आपको बताया गया है तो जो भी पेमेंट है पेमेंट आपको जहाँ पे मिल रहा है पेमेंट्स वो आपको कहाँ पे लिखना है एक्सपेंडिचर में अमाउंट्स डालने हैं और जो रिसिट है उसके अमाउंट कहाँ पे डालने हैं इनकम में तो ऑटोमेटिकली आपको याद रखने का भी ज़्यादा जरूरत नहीं है पेमेंट्स विल बी और एक्सपेंडिचर रिसिट्स विल बी और इनकम तो अपोजिट आपको एडजस्ट एंट्री सबको मिल जाएंगे और इसके बाद हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन तो इसके लिए फॉर्मेट स्टूडेंट जो याद रखना है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसिव आपको सब में से मिलेगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड करना है रिसिव एडवांस इन द बिगनिंग ऐड करना है आउटस्टैंडिंग अगर बिगनिंग में तो माइनस करना है सब्सक्रिप्शन रिसिव एट द एडवांस इट द एंड माइनस करना है तो आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन ईयर इनकम फॉर द ईयर उसके साथ अगर वहाँ पे नंबर ऑफ़ मेंबर्स का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है तो हम डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन इनकम निकाल सकते हैं उसके लिए फार्मूला होगा नंबर ऑफ़ मेंबर्स इनटू फीस पर मेंबर तो ये दो फॉर्मूला अगर आप याद रखते स्टूडेंट्स तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एन भी सॉल्व करना है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको एन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है बट अगर आपने ये तरीका यूज़ किया तो मैंने पहला ही स्टेप बताया स्टूडेंट्स आपको बैलेंस शीट ओल्ड दिया रहेगा रिसिट्स एंड पेमेंट दिया रहेगा आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना होगा एंड न्यू बैलेंस शीट बनाना होगा बैलेंस शीट जिस तरह से हम बनाते हैं उसमें फंड जो रहेगा वो लाइबिलिटी साइड आएगा एंड द सेकेंड थिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज सिमिलर लाइक वट पी एन एल अकम तो एक्सपेंडिचर टर्म ऊपर लिखना है और इनकम टर्म लिखना है जो भी रिसिट्स होंगे वो हमारे इनकम रहेंगे एंड पेमेंट होगा वो एक्सपेंडिचर होगा इन शॉर्ट जैसे पी एन एल बनाते हैं बट उसका दूसरा नाम क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सो आई होप द वीडियो वॉज यूज़फुल टू एवरी वन अगर स्टूडेंट्स यूजफुल है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनको भी मेरे चैनल से जोड़े और अगर आप न्यू हो चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन को ऑन करें और तो एक लाइक करने से डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें एंड ईवन आगे फ्यूचर में अभी एग्जाम्स आपके खत्म होने आ रहे हैं बट फॉर द नेक्स्ट ईयर व्हाट आर द प्लानिंग्स किस तरह से कौन सा कोर्स करना एंड एवरी थिंग रिगार्डिंग द स्टडीज़ आपके लिए मैं इंफॉर्मेशन देती रहूँगी सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट लाइक शेयर थैंक यू